गलती का पुतला हूं ए श्याम प्रभु मेरे, मुझसे है बहुत तुमको, तुम साना कोई मेरे। हे बाबा, कर भूल जो हो जाए दिल से न लगा लेना। बोलो, कर भूल जो हो जाए दिल से न लगा, अब तक तो निभाया है ये प्रार्थना है बाबा से। बाबा अब तक निभाया है ना, तो आगे भी निभा लेना। तेरे हर कीर्तन में हम पहुंच जाएं, तेरे दर्शन हो जाएं, बस इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। बोल सच्चे दरबार की। आइए, जो जो चाहते हैं जरा झूमते हुए बाबा को रिझाते हैं। एक दो तीन ये चार। कर भूल जो हो जाए दिल से न लगा लेना, कर भूल जो हो जाए दिल से न लगा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है। ध्यान से सुनना। हेलो, गलती का पुतला हूं ए श्याम प्रभु मेरे, गलती का पुतला हूं ए श्याम प्रभु मेरे, मुझसे है बहुत तुमको, तुम सा ना कोई मेरे, मुझसे है बहुत तुमको, तुम सा कोई मेरे। मेरे जैसे बाबा तेरे पास लाखों हैं, नाथ वो है ना बिसारियों लाख लोग मिल जाए, मुझसे आपको बहुत है पर आप सा मुझको। मैं गलती का पुतला हूं, गलतियां होती रहती है बाबा, अगर मैं कोई गलती कर दू ना तो बस एक कृपा कर देना मुझ पर,
मेरा कान पकड़ करके एक डाट पिला देना, मेरा कान पकड़ करके एक डाट पिला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। ठाकुर नरेश की जय। बहुत प्यारी धुन बजाई आपने, जरा एक बार हमारे श्याम भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो तबला बजा रहे। प्रेम नहीं है वो मीरा के जैसा, कर्मा जैसी पुकार नहीं। प्रेम नहीं है वो मीरा के जैसा, कर्मा जैसी मनुहार नहीं। ना भोलापन है धन्ना के जैसा, नरसी जैसी पुकार नहीं। ना भोलापन है धन्ना के जैसा, नरसी जैसी पुकार नहीं। ना मैं मित्र सुदामा सा आकर गले लगाओगे, इतना बता दो सांवरिया। अबे कानपुर वाला ठेका लगाओ यार, ये बात दोनों हाथ खोल कर एक साथ। इतना बता तो सांवरिया, घर मेरे कब आओगे। इतना बता तो सांवरिया, घर मेरे कब आओगे। जीवन की कठिन राह है, कहीं मैं ना भटक जाऊं। जीवन की कठिन राह है, कहीं मैं ना भटक जाऊं। तेरे एक इशारे से मंजिल को पा जाऊं। मेरा हाथ पकड़ करके मुझे राह दिखा देना, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे राह दिखा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, कर भूल जो हो जाए दिल से न लगा लेना। कर भूल जो हो जाए दिल से न लगा लेना। अब तक तो निभाया, हाँ।
इस पागल प्रेमी को तुमने ही तारा है, इस पागल प्रेमी को तुमने ही तारा है। बस बाबा एक कृपा हम सब पर कर देना जितने प्रेमियां बैठे हैं, बस अपना समझ करके मुझे गले लगा लेना, बस अपना समझ करके मुझे गले लगा लेना। अब तक तो निभाया आगे भी निभा लेना, बोलो अब तक तो निभाया आगे भी निभा। कौन कौन चाहता है भाई? नहीं नहीं जरूरी नहीं है दोनों हाथ उठाए, हाथ नीचे रखें आप, आवश्यकता नहीं है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पूरी बात सुनो, हाथ नीचे करो, हाथ उठाओ ताली बजाओ, हाथ उठाओ ताली बजाओ, हाथ उठाओ ताली बजाओ, बात तो सुनो भाई, हाथ उठाओ ताली बजाओ। कौन से भजनों की रीत है? क्या बिना हाथ उठाए ताली बजाए भजन नहीं होते? होते हैं, होते थे और होते। हाथ उठाओ ताली बजाओ ये कौन से भजनों की रीत है? लेकिन जिसने दोनों हाथ उठाकर अपने आप को समर्पित कर दिया उसी प्रेमी की बाबा के दरबार में जीत। दोनों हाथ खोलकर और मिलकर कहना है, कर भूल जो हो जाए दिल से ना भुला देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। सहारे की श्याम प्यारे की इरादे सैकड़ों बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, और वही दरबार में बैठते हैं जिन्हें मेरे बाबा बैठाते हैं। बड़ी सुंदर रचना है। बाबा किसको अपने दरबार में बुलाते हैं, किसको अपने दरबार में बैठाते हैं, सुनिएगा। जिसको अपनी मम्मी से प्यार है उसको यहां आने का अधिकार है, उसके लिए ही ये दरबार है। जिसको अपनी मम्मी से सारे पांच जन हमें अजीब सो लग रहा है, क्या बात है? हाँ भाई, भाई, भाई जो अपनी मां से प्यार करता हो बिल्कुल सीधे दोनों हाथ खोल दो। वन टू थ्री फोर। जिसको अपनी मम्मी से प्यार है उसके लिए ही श्याम दरबार है, जिसको अपनी मम्मी से प्यार है उसको यहाँ आने का अधिकार है, उसके लिए ही ये दरबार है। जिसको अपनी मम्मा से प्यार है उसके लिए ही ये दरबार है, जिसको अपनी मम्मा से प्यार है। बोल मोरवी नंदन श्याम प्यारे की। हो
बाबा के हैं, मैं तो केवल बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। मुझको तो 56 भोग खिलाते हो, माँ को एक रोटी को तरसाते हो। मुझको तो 56 भोग खिलाते हो, माँ को एक रोटी को तरसाते हो। ओ मुझको तो 56 भोग खिलाते हो, माँ को एक रोटी को तरसाते हो। मुझको तो 56 भोग खिलाते हो, माँ को एक रोटी को तरसाते हो। मुझको तो बागा तुम पहनाते हो, माँ को एक साड़ी ना दिलवाते हो। मुझको तो बागा तुम पहनाते हो, माँ को एक साड़ी ना दिलवाते हो। बाबा के लिए 56 भोग और घर में माँ को टाइम से रोटी नहीं, ऐसा 56 भोग बाबा को नहीं चाहिए। मेरे बाबा के लिए महंगा से महंगा बागा, और जिसने जन्म दिया उस मां को दो दीपावली पहले साड़ी दिलवाई थी, अभी तक नहीं दिलवाई। अगर कोई ऐसा करता है ना, ऐसे बेटे को तो धिक्कार है, ऐसे बेटे को तो धिक्कार है, करता जो मां को लाचार है। जिसको अपनी मम्मी से प्यार है, उसको यहां वार्षिक उत्सव आता है, कुछ कमेटी वाले इकट्ठा होकर सेठ जी के पास गए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, भैया बाबा का वार्षिक उत्सव आने वाला है और अब की बार जो श्रृंगार होगा वो आपकी तरफ से होगा। भैया ने कहा भाई कितना पैसा लगेगा? बोले ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपए। मैं 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन हर भजन गायक के बाद अनाउंसमेंट होना चाहिए कि ये दरबार भाई साहब ने सजवाया। मंडल वालों ने कहा भाई साहब आप दो तो सही, हम भजन गायक के बाद नहीं, हर भजन के बाद ये बुलवाएंगे, ये पैसे भाई साहब ने दिए। कुछ लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। दान उसको कहते हैं, इस हाथ ने दिया इसको पता भी ना चला। बोल सच्चे दरबार की, मैं समझ सकता हूं मंडल वालों की व्यथा। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे जाकर कहा ना कि भैया बाबा का कीर्तन है तो तुरंत दे दिया, और कई लोग 10 सवाल करते हैं उसके बाद 10 रुपए देते हैं, और फिर ये और पूछते हैं किसको बुला रहे हो भैया आपकी बार तो गिरिराज जी को। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं लखा सिंह को बुलाओ तो 10 रुपए लो, वरना मत। अबे दे रहा है 10 रुपए, बात कर रहा 10 लाख की। सेठ जी ने 10 लाख रुपए मंडल वालों को दिए, वहीं पर सेठ जी की मां बैठी थी। सेठ जी की मां ने कहा बेटा जो दुनिया को सजाता है उसको सजाने के लिए 10 लाख रुपए दिए, बेटा हो तो मेरे जैसा एक छोटा सा काम मेरा कर दे, मैं ऊपर 3 के कमरे में रहती हूं, अगर बेटा RCC डलवा दो तो मैं भी थोड़ा आराम से रह लूं। इतना कहना हुआ, सेठ जी का जवाब था मां पैसा है कहां, पैसा है कहां, ये 10 लाख रुपए भी मैंने बाजार से लाके इनको दिए, क्योंकि इनको मुझे पता था लेने आएंगे, इनको देना पड़ेगा। ऐसे प्रेमियों के लिए मेरा बाबा क्या कहता, सुनिए। मां मद मीठा मां मदराई,
माँ से माखन माँ से मलाई, माँ है जैसे अर्श का जीना, माँ ही मक्का माँ ही मदीना। अगर घर में माँ बाप खुश है ना तो मैं कह रहा हूं इसके दरबार में आपको आने की या जाने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ बाप के चरणों में चारों धाम है, और अगर माँ बाप दुखी हैं तो दुनिया के किसी दरबार में चले जाना, आपकी तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। बोल खट नरेश की। कहते हैं लहू का रंग अलैदा नहीं होता, यूं ही किसी पर कोई सैदा नहीं होता। अगर डर जाती तेरी माँ मौत से बेधड़क, तो आज इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं होता। इसलिए माँ माँ है, माँ से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। ऐसे बेटे को तो धिक्कार है, करता जो माँ को लाचार है। ऐसे बेटे को तो धिक्कार है, करता जो माँ को लाचार है। दोनों हाथों की सेवा जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, हाथ किसी का नीचे नहीं होना चाहिए। और एक साथ ताली। फिर वृद्ध आश्रम में किसकी मां जाती है? जो मां से इतना प्यार करते हो उनकी मां फिर वृद्ध आश्रम में कैसे चली जाती है? बोल सच्चे दरबार की, खाटू नरेश की। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। जब जब प्रेमी
को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे हारे हारे। बोलिए 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 तुम हारे के जो हार जाता है वो जीतने के लिए खाटू जाता है। हारे 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 थोड़ा थोड़ा आगे आ रे। हाय 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 मार डाला बोल खाटू ने रे। मैं निवेदन करूंगा प्रेमी थोड़ा थोड़ा आगे।